पिशावर संभल के चंदौसी से है, जहां करीब 1 किलोमीटर तक के रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जल प्रभाव की चपेट में आ गया, जिससे ट्रैक का हिस्सा जमीन में बैठ गया है, जिसके कारण किसी भी समय एक बड़ा रेल हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक से दिल्ली बरेली एक्सप्रेस, इंटरसिटी सद्भावना एक्सप्रेस आदि कई एक्सप्रेस गाड़ियां गुजरती हैं। फिलहाल हालात को देखकर रेल विभाग के होश फाख्ता हो गए हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, साथ ही आसपास में बने मकान भी जमीन में समा सकते हैं। ट्रैक में चलिए ये कॉलोनियों का जो पानी आ रहा है, ट्रैक पहले जब बना था उस टाइम ट्रैक ऊंचा था, और अब चूंकि कॉलोनी बाद में बनी है और कॉलोनी लोग ऊपर बना रहे हैं, ऊंची उठा के बना रहे हैं, और सारा पानी और रास्ते ट्रैक के अंदर खोले हुए हैं। तो इसी संबंध में आज हमने एसडीएम साहब के साथ मीटिंग की थी कि भाई ये पानी ट्रैक के अंदर ना आए, चूँकि ये ट्रैक को अनसेफ कर रहा है। अच्छा, तो क्या ट्रैक में झुकाव भी आया है नीचे को? नहीं, अभी नहीं आया, लेकिन ये पानी यदि यहीं पर इसी तरह से इकट्ठा होता रहा और इसकी मात्रा बढ़ती रही तो एक समय वो आएगा कि ये ट्रैक भी बैठ सकता है, इसको अनसेफ कर सकता है ट्रैक। ऐसा है कि लक्ष्मणगंज में जल भराव की समस्या इधर थी और पूर्व में भी थोड़े बहुत काम कराए गए, तो उसी की रिगार्डिंग जो है एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो है एक ज्वाइंट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रेलवे के अधिकारी और खंड विकास स्तर के वीडियो साहब के स्तर के अधिकारी और नगर पालिका के हम लोग भी थे। मेरे साथ हमारे दोनों जेई रेलवे विभाग के इंजीनियर्स हैं। तो मौके पे आके ये देखना था कि कहाँ से अभी फौरी तौर पे तत्काल राहत मिल सकती है और जिसको रेलवे ट्रैक को भी सेफ हो और कॉलोनियों में भी सेफ रहे। इसके लिए एक तो रेलवे ट्रैक का ये देखा गया, उधर पुलिया जो उस साइड में है उसको देखा गया, उस पर भी विचार चल रहा कि अगर उस पुलिया को खुलवा दिया जाए तो वहाँ से पानी जो है आगे जो तालाब है उसमें जाके चला जाएगा, जिससे फौरी तौर पे राहत मिल जाएगी।